नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को कहा गया है, सीएनटी एक्ट से संबंधित जितने भी सेक्शन आपको यहां पे समझाए जाएंगे उनको याद कराने का भी हम लोगों का एक तरह से जिम्मेवारी है, और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो भी सेक्शन समझाया जाए वो आपको याद भी होता चला जाए। पिछले वीडियो में हम लोग प्रयास किए थे, इस वीडियो में भी इस तरह का प्रयास यहाँ पे रहेगा। तो पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा हम लोग यहाँ पे 19 अध्याय में जो पहला अध्याय है उसके बारे में जान लिए थे, जिसमें प्रारंभिक नाम और प्रसार और परिभाषा के बारे में था। दूसरा अध्याय जो था वो 4 × 8 बोले थे सेक्शन कास्तकार के वर्ग के बारे में। तीसरा अध्याय 9 से 15 यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे चौथा अध्याय जो कि संबंधित है अधिभोगी रैयत से, जो कि 16 से 36 है। 16 में बोले थे 20 जोड़िएगा तो 36 आ जाएगा। मात्र एक सेक्शन है आपका खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में बोला गया, और उसके लिए एक चैप्टर है, चैप्टर 5। सेक्स जो है वो आपका संबंधित है अन अधिभोगी रैयत। तो पहले देखिए भूधारक था, फिर अधिभोगी था, फिर अन अधिभोगी, यानी कि पहले अधिभोग करने वाला, फिर अन अधिभोग करने वाला, और खुटकटीदार वाला के बोला कि खुटकटी जो दार रैयत होगा उसको अधिभोग का अधिकार होगा, बस वही बताने के लिए यहाँ सेक्शन 37 था। फिर है 7वां चैप्टर जो है वो बोला है कि 4 और 6 में, यानी अन अधिभोग और अधिभोगी को छोड़ के जो जमीन है उसके बारे में चैप्टर 7 में उल्लेख किया गया। जैसे जमींदार का कुछ जमीन है वहां ना तो आपको अधिभोगीदार अधिभोगी रैयत यानी ऑक्यूपेंसी राइट वाला आपको राइट मिलेगा, ना ही नॉन ऑक्यूपेंसी राइट वाला, उसका अलग ही तरह से यहाँ पे एक तरह से कहिए प्रावधान किया गया है। चैप्टर 8 तक हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर देंगे, और यहाँ 46 बताया जाएगा जो कि जमीन के खरीद बिक्री से संबंधित है। नाम ही है जोत और भू द्वितीयों का पट्टा और अंतरण। तो जो पट्टा है, जो मालिकाना हक है, उसका जब आप अंतरण करते हैं, जोत को किसी को देते हैं, तो वो किसको दे सकता है, एसटी किसको बेच सकता है, एससी किसको बेच सकता है, आज हम लोग धारा 46 के अंतर्गत वहां तक पहुंच जाएंगे उम्मीद है। तो चलिए यहाँ पे देर ना करते हुए जो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे उसको हम थोड़ा सा रिकैप करवाते हैं, ताकि आज का जो टॉपिक आपको समझाया जाए वो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो आपको हम बताए थे कि चैप्टर 1 जो है वो संबंधित है नाम और प्रसार में, और इस तरह से चैप्टर 1 में पहला जो सेक्शन बोलता है नाम और प्रसार, यानी कि इसका नाम छोटा नागपुर भू द्वितीय अधिनियम है, और ये 4 प्रमंडल में लागू होगा जिसके अंतर्गत 18 जिले आते हैं। दूसरा जो बोले थे निश्चित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। तीसरा में परिभाषा दिया गया है जिसको पिछले वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस किए थे। फिर अध्याय 2 आए थे, अध्याय 2 4 × 8 हम बोले थे 4 में 4 कास्तकार होते हैं, और ये कास्तकार के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार। पहला भूधारक जो कि सेक्शन 5 आएगा, दूसरा रैयत जो कि सेक्शन 6 आएगा, तीसरा दर रैयत है जो कि इसके अंतर्गत आता है। तो इसको कोई भी यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं दिया गया है, बल्कि रैयत के अंतर्गत ही एक प्रकार के रैयत थे जो कि पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, खुटकटी रैयत, इसको सेक्शन 7 का दर्जा दिया गया है, मतलब सेक्शन 7 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और मुंडारी खुटकटीदार, मतलब वैसे खुटकटीदार जो कि मुंडा है, उसका उल्लेख सेक्शन 8 में किया गया। तो इस तरह से हम लोग जो है 8 तक याद किए थे, और 8 को याद करने के बाद यहाँ पे जो है आपका बाकी सेक्शन को भी हम लोग 9 से यहाँ पे याद करने का प्रयास किए थे। तो 9 में यहाँ पे दिया गया था जो कि अध्याय 3 के अंतर्गत है भूधारक। तो भूधारक जो है वो लगान में वृद्धि नहीं होगा, कब, जब वो परमानेंट सेटलमेंट के समय से जमीन को एक तरह से कहिए एक्वायर किए हुए और उसका रेंट जो है वो बढ़ा नहीं। पिछले वीडियो में सारा डिटेल में कवर किए हैं। भूयर अगर 1869 से अगर उसका लगान में वृद्धि नहीं हुआ है और उसके तहत उसको क्या मिला है, जमीन मिला है, तो उसको आप वृद्धि नहीं कर सकते हैं। फिर है अगर इस तरह का कोई भी चीज का ट्रांसफर हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और ये रजिस्ट्रेशन जमीन करने से जमींदार जो है वो इनकार नहीं करेगा। अगर यहां पे इनकार करता है तो मामला कहां जाएगा, डीसी के पास। चलिए उसके बाद है 13 सेक्शन में बोलता है कि अगर किसी तरह का यहां पे जमीन में क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, तो आपको जमींदार को क्या करना होगा, बताना होगा, लगान में जो भी अनुपात में आप विभाजन कर रहे हैं वो भी बताना होगा। अगर किसी तरह का विवाद होगा तो जमींदार कहां पे जाएगा, डीसी के पास। उसके बाद है 14 में पुनर्ग्रहण वाला जमीन कौन नहीं है, वो बताया गया था कि किसके किस कौन कौन सा जमीन है जिसको आप अनुदान देने के बाद वापस नहीं ले सकते। तो इस तरह से ये सब सारा चीज जो है हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। अब आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे अध्याय 4 से पढ़ेंगे जो कि संबंधित है अधिभोगाधिकार रैयत, यानी ऑक्यूपेंसी जो राइट है उस तरह के जो रैयत है उसके बारे में। तो चलिए पहले सभी प्रावधान को हम लोग पढ़ लेते हैं, और उसके बाद जो है इसको एक एक करके जो लिखा हुआ है उससे भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए आपको पिछले वीडियो में ही बताया जा रहा है कि चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ता है। देखिए आपको पिछला वीडियो में जो भी चीज हम बताया एक एक लाइन में आपको बताया, और इस तरह से उतना अगर डिटेल वाइज आप देखे रहिएगा और इतना भी अगर पढ़ लीजिएगा तो आप हो सकता है 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन तक पहुंच जाए। चलिए यहाँ पे आपको दिया गया है हेडिंग पहले पढ़िए, यहाँ पे हेडिंग है चैप्टर 4 अधिभोगी रैयत यानी ऑक्यूपेंसी रैयत। अधिभोगी मतलब आखिर होता क्या है, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कोई जमीन का टुकड़ा है
उसमें जो भी उत्पाद मिल रहा है अगर आप उसका अधिभोग कर पा रहे हैं, उपयोग कर पा रहे हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस जमीन का अधिभोगाधिकार या ऑक्यूपेंसी राइट जो है आपके पास है। बोलते हैं ना ऑक्यूपाई करना, मतलब आप उसको क्या कर लिए, अपने अधीन ले लिए। तो बस वही चीज यहाँ पे आप समझ सकते हैं, सामान्य विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना, ये पहला सेक्शन जो है ये 16 आपको बोल रहा है। अब इसमें बोल क्या रहा है उसको आप समझने का थोड़ा सा यहाँ पे प्रयास कीजिए, जो कि हम यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो कानून बना है आपको आइडिया होगा 1908 में बना है, तो बोल रहा है अगर ऑक्यूपेंसी राइट 1908 से पहले था तो 1908 के बाद भी आपका ऑक्यूपेंसी राइट बना रहेगा, आपका ऑक्यूपेंसी राइट को छीना नहीं जाएगा। क्योंकि अब समझिए एक कानून आ रहा है, हमको पहले से कोई अधिकार था, अब नया कोई कानून आके मेरा अधिकार को छीने ये तो अच्छी बात नहीं होगा, फिर से विद्रोह हो जाएगा और अंग्रेज ये चाह नहीं रहे थे कि फिर से किसी तरह का कोई विद्रोह हो। और इसीलिए कहा गया अगर आपको ऑक्यूपेंसी राइट 1908 से पहले है तो बाद में भी आपको ऑक्यूपेंसी राइट रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई हेर फेर नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से यही चीज यहाँ पे बोला गया है कि रैयत का अधिभोगाधिकार यानी कि ऑक्यूपेंसी राइट है जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व अधिभोगाधिकार था, इसके बावजूद कि वो 12 वर्ष से खेती वहां पे नहीं कर रहा। ये कंडीशन अभी आगे मिलेगा कि 12 वर्ष तक अगर आप खेती करते हैं तो आपको वहां सेटल्ड किया जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि भले आप 12 साल से आप नहीं खेती कर रहे हैं, आप पिछले 5 साल से आप खेती कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको हम बताए कि यहाँ 1908 से पहले आपको अधिभोगाधिकार था, लेकिन माने चलिए यहाँ इस जमीन के टुकड़े ए जमीन के टुकड़े में आप कब से अधिकार किए हैं, 1900 में ये जमीन के टुकड़े में अधिकार किए, तो यहां से गिनेगा तो 12 साल तो नहीं होगा, मात्र 8 साल पहले इस जमीन पे आप अधिभोग का क्या पाए हैं, दर्जा पाए हैं। तो ऐसा नहीं कहेगा कि 12 साल से आप खेती कीजिएगा तब हम आपको अधिभोग का दर्जा देंगे। अब बोल रहा है कि 1908 से पहले अधिभोग का दर्जा तुम्हारे पास था तो आगे भी बने रहेगा, हम यहां से छेड़छाड़ नहीं करने वाले ताकि किसी तरह का कोई विरोध ना हो। यही चीज आपका जो बोला गया वो सेक्शन 16 में बोला गया, और इसी को फिर हम यहाँ पे सेक्शन 16 में लिखे अधिभोग 1908 से पहले भी बनेगा और अगर 1908 से पहले है तो 1908 के बाद भी रहेगा। तो उम्मीद करते हैं सेक्शन 16 भी आपको याद हो गया होगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे सेक्शन 16 के बाद सेक्शन 17, और यहाँ पे सेक्शन जो 17 है वो बोलता है बंदोबस्त रैयत यानी सेटल्ड रैयत के बारे में बात करता है। देखिए कभी भी सेटल्ड वर्ड हम लोग जब यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं, अभी जैसे कि हम लोग जो है हम लोगों के पास नौकरी नहीं है तो हम बोलते हैं अभी सेटल्ड नहीं है, जब जॉब मिल जाएगा तो हम सेटल्ड हो जाएंगे। तो उसी तरह से कुछ रैयत जो होते हैं वो अधिभोग का उनका अधिकार नहीं रहता, वो उसको सेटल्ड किया जाता है, डीसी के द्वारा कहा जाएगा ठीक है तुम लगातार अगर यहाँ पे 12 साल से यहाँ पे जमीन को यूज कर रहे तो हम उसमें तुमको बंदोबस्त कर देंगे, और आगे जाके आर्टिकल में ये कहेगा कि जो बंदोबस्त है उसको अधिभोग का अधिकार है, यानी उस जमीन में अगर आम का पेड़ लगा हुआ है और उससे कोई फल आ रहा है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बंदोबस्त मतलब आप थोड़ा सा समझिएगा कि बंदोबस्त रैयत की परिभाषा में दिया गया है, रैयत को बंदोबस्त किया जाएगा सबसे पहला, तो इस तरह से बंदोबस्त मतलब क्या है, उसको आप बसा रहे हैं, सेटल्ड कर रहे हैं, इस सेटल्ड अंग्रेजी से आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। तो इस अधिनियम के प्रारंभ और पूर्व के पश्चात यानी कि इस अधिनियम के प्रारंभ करने का मतलब है 1908 से जब प्रारंभ हुआ या उससे बाद, मतलब 1908 के बाद, तो इस तरह से 1908 से पहले भी और 1908 के बाद भी। यहां पे बोलता है अगर कोई व्यक्ति भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे पे धारण करता है किसके रूप में, रैयत के रूप में, लगातार कितने साल के लिए, 12 साल के लिए, तो आप उसको वहां पे क्या कर दीजिएगा, बंदोबस्त कर दीजिएगा। जैसा कि यहां पे हम आपको बताए कि ये जमीन जो है यहां एक जमीन का एक क्या है, टुकड़ा है, आप इसको माने चलिए आप कभी भी सेटल्ड आपको कब किया जाएगा, ये जमीन का टुकड़ा माने चलिए ए है और यहाँ पे माने चलिए आप 1910 में इस में क्या किए हैं, इसे खेती कर रहे हैं या सेटल यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अधिकार बनाए हुए हैं। अब ये खेती करते करते आपका समय आ जाता है 1900 कहां तक, आपका यहाँ पे लगभग 22 तक चले जाते हैं, 1922 तक। अब 1922 तक चले गए तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो गया, 12 वर्ष। तो लगातार अगर इस जमीन में 12 वर्ष तक आप खेती करते रहिएगा तो यहाँ पे आपको यहाँ इस जमीन में सेटल्ड कर दिया जाएगा, माने कि यहाँ अब कहा जाएगा ये जमीन तुम्हारा हो गया और यहाँ से अधिभोग का जो अधिकार होगा वो तुम्हारा होगा। यही बात आपको इस सेक्शन में यहाँ पे कहा गया। तो उम्मीद करते हैं ये जो सेक्शन है सेक्शन 17 समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बंदोबस्त रैयत का परिभाषा। तो बंदोबस्त हम किसको कहेंगे कि वैसा रैयत जो पूर्णतः या अंशतः पट्टे पर किसी जमीन को लेता है और 12 साल तक वो क्या करता है, धारण करता है, तो उसको हम बंदोबस्त कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे ये दिया अगर कोई वारिस जो है वो बी है और उसका जो पिता था या उसके जो एक तरह से कहिए पूर्वज थे वो रैयत है तो बी भी रैयत होगा। कहने का मतलब मेरे पिता जो है अगर किसी जमीन में बंदोबस्त रैयत थे तो हम भी उस तरह से क्या हो जाएंगे, बंदोबस्त रैयत माने जाएंगे। दूसरा है ग्राम बंदोबस्त का रैयत बना रहेगा,
कहने का मतलब गांव ही बंदोबस्त यहाँ पे हो गया। तो जब तक कि वह यानी कोई व्यक्ति ग्राम में रैयत के रूप में भूमि को धारण करता है तो ग्राम बंदोबस्त होगा। मतलब कोई गांव है जैसे कि नारो गांव है, नारो गांव में आप अगर रह रहे हैं और वहां पे बंदोबस्त किए गए हैं तो आप नारो ग्राम के बंदोबस्त रैयत कहलाएंगे। गांव छोड़ने के बाद भी 3 वर्षों तक आप वहां के बंदोबस्त रैयत कहलाएंगे। तो इस तरह से अगर यहाँ पे हम आपको बताएं कि मानी चलिए ये आपका क्या है, अभी हम बोले कि ये नारो गांव है, अब यहाँ पे गांव था, अब गांव से आप कहाँ चले गए, शहर चले गए, यहाँ पे शहर चले गए, यहाँ पे मानी चलिए रांची चले गए, और रांची जाने के बाद जो है आप यहाँ के बंदोबस्त कब तक बने रहिएगा, 3 वर्ष तक, मतलब 3 साल तक अगर आप रांची में रहे हैं, वापस यहाँ पे नहीं गए, फिर भी आप यहाँ के बंदोबस्त माने जाएंगे। अब 3 साल के बाद का क्या है वो चलिए यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 3 साल के तक तो आप गांव के बंदोबस्त होते हैं, 3 साल के बाद इसका मतलब क्या होगा, गांव के बंदोबस्त नहीं रहिएगा। लेकिन यहाँ कुछ अपवाद दिया है, अपवाद क्या दिया गया है कि अगर यहाँ पे वो कब्जा, जमीन का कब्जा धारा 71 के अधीन हुआ है या भूमि आपको मिला है, तब आप 3 साल से ज्यादा समय के लिए छोड़े हुए भूमि को भी कह सकते हैं कि वो वहां क्या बंदोबस्त रैयत है। इसको सिंपल सा समझिए कैसे है। देखिए धारा 71 तो हम आपको बताया नहीं, लेकिन फिर भी समझिए कि इलीगल तरीके से या लीगली भी आपको अगर जमीन को लिया गया था और वापस आपको मिल रहा है, इलीगली ही तरीके से जनरली लिया जाता है तो इस तरह से जमीन वापस मिलाता है। तो कहने का मतलब मान चलिए अभी चल रहा है 2024, आप रांची गए और रांची में रहने लग गए 2027 तक, तो 2027 तक आप तो बंदोबस्त रहिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बोला गया। लेकिन अगर ये भूमि आपको मिल रहा है तब 2030 में मिल रहा है, 2030 में, और ये भूमि जो वापस मिल रहा है आपको किस धारा के अंतर्गत मिल रहा है, धारा 71 के अंतर्गत, तब देखिए 2024 से 30 का जो डिफरेंस हो गया वो कितने साल का हो गया, 6 वर्ष का। तो ये 3 साल वाला क्राइटेरिया जो था यहाँ पे, 3 वर्ष वाला जो क्राइटेरिया वो तो फुलफिल नहीं हुआ, यहाँ 6 साल हो गया, लेकिन फिर भी आपको बंदोबस्त माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जमीन जो है वो किसके अंतर्गत मिला है, धारा 71 के अंतर्गत। और धारा 71 के अंतर्गत कैसे जमीन मिलता है आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। बस अभी याद रखिए, अगर धारा 71 के अंतर्गत आपको जमीन मिला है तो 3 साल बीत जाने के बाद भी आप उसके बंदोबस्त रैयत माने जा सकते हैं, भले 5 साल हो, 6 साल हो, 7 साल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट प्रावधान को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट प्रावधान अब हम लोग चले जाते हैं 18। तो 18 जो है, जाने से पहले फिर से हम यहाँ पे 17 में जो लिखे हैं उसको यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो 17 में हम क्या लिखे हैं, बंदोबस्त रैयत के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि कौन बंदोबस्त होगा, कौन बंदोबस्त नहीं होगा। तो इस तरह से सिंपल वे में भी आप याद कर सकते हैं इस लिमिटेड टाइम में। चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं 17 के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 18। तो 18 में यहाँ पे क्या बोला है कि कतिपय दशाओं में भूहरों तथा कुटकटीदारों का बंदोबस्त रैयत होना, कि कुछ ऐसा कंडीशन है जिसमें हम मुंडारी कुटकटीदार या भूहर जिसको उड़ाओं से हम लोग जोड़ते हैं वो लोग भी यहाँ पे क्या हो सकता है, बंदोबस्त हो सकता है, यानी कि उसको हम लोग बसा सकते हैं। अब फिर से इस चीज को आप समझिए, देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप इसको धीरे धीरे समझने का भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप साथ नहीं दीजिएगा तब तक हम चीजों को समझा नहीं पाएंगे और हम पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चीजों को यहाँ पे समझा पाए। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो है आपका कोई जमीन था, अब ये खुटकटीदार जमीन है, खुटकटीदार फिर से यहाँ पे आपका खुटकटी यहाँ है ना, खुटकटीदार ये क्या है, जमीन है या आपका भूइहर है, आपका जमीन क्या है, भूइहर है, जो कि उड़ाव से संबंधित है या ये मुंडारी खुटकटीदार है। तो यहाँ पे मुंडारी खुटकटीदार है, कहने का मतलब क्या है, फिर से आप समझिए शुरुआत वाला जो सबसे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था कि मुंडा यहाँ पे आए या उड़ाव है, जंगल था, साप किए, गांव को बसाए, तो वहां के वो क्या कहलाए, मूल रैयत कहलाए, एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ में वही गांव को जंगल को साफ करके गांव बसाते हैं और इसीलिए उड़ाव में उसको भूहर जमीन के नाम से जानते हैं और मुंडा में खुटकटीदार जमीन के नाम से जानते हैं। अब इतना बड़ा इलाका तो एक तरह से कहिए यहाँ जो है भूहरी या खुटकटीदार है, लेकिन क्या ये भूहरी जो रैयत है वो अपने इलाके से बाहर जाके कहीं खेती नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये किसी जमीन पे गया और क जमीन पे ये क्या कर लेता है, खेती कर लेता है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति गया और हो सकता है ये ख जमीन पे क्या कर लिया, खेती कर लिया। अब लगातार अगर ये 12 साल तक इस तरह से खेती कर रहा है तो फिर इसको रैयत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी यहां तो इसको क्या किया है, साफ किया, यहां पे अधिकार करके वो 12 साल तक खेती कर रहा है, भले इसमें इसको मुंडारी का हक मिला है लेकिन ये मुंडा जो है मुंडारी खुटकटीदार का है, वो अपना खुटकटीदार वाला जमीन को छोड़ के किसी दूसरे जमीन में गया और उसमें खेती करने लग गया और उसमें खेती करने के बाद डीसी जो है उसको सेटल्ड कर देंगे और सेटल्ड भूयारी और खुटकटीदार रैयत के तौर पे वो क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे।
आपका जमीन है ये भुईहरी जमीन है, यहां तो आपको मालिकाना हक मिला हुआ है, लेकिन अपना जमीन छोड़ के आप कहीं दूसरे के जमीन में जा रहे हैं, वहां पे आप लगातार क्या कर रहे हैं, 12 साल तक उस जमीन को यूज कर रहे हैं, तो आपको वहां बंदोबस्त कर दिया जाएगा। तो इस तरह से चूंकि ये खुटकटी आदमी को क्या किया जा रहा है, बंदोबस्त किया जा रहा है, इसीलिए ये खुटकटीदार बंदोबस्त रैयत के तौर पे जाएगा, जाना जाएगा, या भूहरी बंदोबस्त के तौर पे जाना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हम समझा पाए होंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही है, कुछ दशाओं में भूहर और मुंडारी खुटकटीदार बंदोबस्त का रैयत होना। अब हम जो बताए और उसके बाद ये जो लाइन लिखा है उसको पढ़िए, उम्मीद करते हैं अभी तक भी नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। यदि कोई अपने भूहरी और मुंडारी खुटकटीदार भूमि के अलावे, कहने मतलब उसका जो भूहरी और खुटकटीदार जमीन था उसके अलावे किसी दूसरे जोत पर क्या करता हो, खेती करता हो, तो धारा 17 की उपधारा 3 से लेके 6 तक उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि मानो वो क्या है, रैयत है। तो आगे कंडीशन आपको बताया गया, 12 साल खेती करते हैं ये सब है ना, गांव से चला गया तो भी 3 साल तक वहां अधिकार होगा, सब बात यहां पे क्या होगा, लागू होगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज अब तो समझ में आपको आ ही गया होगा। तो ये हो गया हमारा 18। तो 18 को फिर से यहां पे हम कंक्लूड करते हैं, और यहां पे देखिए 18 में हम क्या लिखे, भुईहरी प्लस मुंडारी खुटकटीदार को भी बंदोबस्त रैयत माना जाएगा, क्योंकि ये अपने जमीन छोड़ के किसी दूसरे जमीन पे अधिकार किए और 12 साल खेती करने के बाद उसको वहां पे सेटल्ड किया गया है। चलिए अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने नेक्स्ट यहां पे सेक्शन 19 में। तो सेक्शन 19 क्या कहता है उसको देखिए, बंदोबस्त रैयत का अधिभोगाधिकार, यानी कि जिसको भी बंदोबस्त किया जाएगा, मतलब 12 साल से वो खेती कर रहा था, अब कहा गया कि तुम यहाँ के सेटल्ड रैयत हो, तो उसको पूरा अधिभोग का अधिकार होगा उस जमीन पे। जो भी आम का पेड़ है वहां से अगर आम निकलेगा, लीची निकलेगा, वहां पे जामुन निकलेगा, तो उसका सारा अधिकार जो है वहां पे अधिभोगी रैयत का एक तरह से कहिए अधिकार होगा। अभी आपको पूछेगा अधिभोगी मतलब आप, अभी तो हम जनरल वे में कर रहे हैं कि उस जमीन में जो भी चीज है उसका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आगे सेक्शन 21 में बताएगा कि आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए सब चीज आपको पता चलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे बंदोबस्त जो रैयत है उसको अधिभोग का भी अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि तुमको 12 साल के बाद यहाँ बंदोबस्त किए या 12 साल तुम खेती किया उसके बाद बंदोबस्त किए को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। अगर आपको बंदोबस्त किया गया, सेटल्ड किया गया, तो वहां से जो भी यूज करना होगा अधिभोगाधिकार आपको मिलेगा, वो सभी अधिभोगाधिकार आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये धारा 19 है, और धारा 19 को देखिए हम फिर से यहां पे लिखे हुए हैं कि बंदोबस्त रैयत जो है उसको अधिभोगाधिकार क्या होगा, मिलेगा। तो इस तरह से यहां पे ये आपका हम लोग देख लिए। अब चलिए सेक्शन 20 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे धारा 17 और 18 के बारे में कहा गया बंदोबस्त रैयत धारित सभी भूमि में अधिभोगाधिकार होगा, मतलब 17 और 18 से धारित जो भी यहाँ पे भूमि धारण किया गया है वो सब में अधिभोगाधिकार आपको मिलेगा, ऑक्यूपेंसी राइट मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं धारा 21 का, 20 यहाँ स्किप किया गया है और यहाँ पे 21 आपको बताया जा रहा है। 21 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लेके काफी सारा विवाद भी रहता है और न्यूज़पेपर में आते ही रहता है, जैसे कि 46 आता है, 49 आता है, अभी हाल फिलहाल में 49 को ही लेके संशोधन के बात को लेके आ रहा था, तो हम बताएंगे वीडियो जब खत्म हो जाएगा तब हम संशोधन में वहां पे जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 21 में क्या दिया गया उसका हेडिंग को पहले समझिए, आपको सारा बात यहाँ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बोलता है कि 21, अच्छा ये जो है भूमि में, एक मिनट इसको जो है नीचे करना होगा, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया। चलिए यहां पे बोला गया भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का क्या अधिकार है, तो अभी हम बोल रहे हैं ऑक्यूपेंसी राइट है ना, रैयत ऑक्यूपेंसी राइट रैयत, लेकिन आखिर उसका क्या अधिकार है वो चीज भी तो आपको पता चलना है होगा ना। अभी हम ठीक है बोल दे रहे थे अभी तक कि आम का पेड़ है तो आम खा सकते हैं वहां से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा, लेकिन यहां आपको जानना होगा स्पष्ट तौर पर कि कौन सा अधिकार है कौन सा अधिकार नहीं है। तो ये सेक्शन 21 आप सब भूल जाइएगा, लेकिन इसको मत भूलिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, भूमि का आप कितना यूज कर सकते हैं सारा बात आपको यहीं पता चलता है। चलिए अधिभोगाधिकार रैयत यहां पे दिया गया है का उपयोग क्या कर सकता है, स्थानीय रूढ़ी से मतलब आपका जो परंपरा है उसके अनुसार आप जमीन को यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है कि उस यूज में किसी भी तरह से आपका जमीन का मूल्य का हर्षित नहीं होना है, और दूसरा चीज इतना भी खराब नहीं कर देना है कि है ना भूस्वामी उसको जमीन को किसी और को भी दे ना सके, क्योंकि वो जमीन आपको काश्तकारी में मिला है, कहने का मतलब रेंट में मिला है। अब कहीं आप रूम रहने जाइएगा, रेंट में रहने जाइएगा, और पता चला रेंट आप दे रहे हैं 100 रुपया दे रहे हैं, 200 रुपया दे रहे हैं, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि पूरा रूम को कबाड़ के आ जाइएगा। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपको किसी से जमीन मिला है तो उसका जमीन का इतना भी आप दुरुपयोग ना कर दीजिए कि वो जमीन किसी दूसरे को देने के लायक बचेगा ही नहीं। तो वही चीज कहा जा रहा है, जो भूमि मूल्य का तात्कालिक रूप से हर्षित ना करे और भूमि के काश्तकारी के प्रयोजनात अनुपयुक्त ना हो, यानी हम दूसरे को काश्तकारी में दे सकते हैं, ये चीज आपका 21 में बोला गया है, 21 में।
अभी जो भी प्रावधान पढ़ रहे हैं सब 21 के अंतर्गत ही आएगा। भूमि का मूल्य का तात्विक रूप से हर्षित कम होना नहीं माना जाएगा। कब कब नहीं माना जाएगा उसको देख लीजिए, कब नहीं। अगर आप घरेलू या कृषि कार्य के लिए ईंट और खपड़े का निर्माण करते हैं तो नहीं माना जाएगा। वहां से मिट्टी खुदाई कीजिएगा तो बोलेगा कि मेरा जमीन को तो बर्बाद कर दिया, वैसा नहीं। अगर आप अपने घर के निर्माण के लिए ईंट बना रहे हैं, मिट्टी बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, तो सॉरी मिट्टी क्या बनाएगा, मिट्टी से ईंट और कपड़ा बना रहे हैं, तो उसको माना जाएगा कि वो जो है आपके जमीन का मूल्य का ह्रास जो है वो नहीं कर रहा। मतलब आपको अधिकार है कि उस मिट्टी से आप कपड़ा या ईंट बना सके। 1908 था इसीलिए कपड़ा बोला जा रहा, अभी तो कपड़ा यूज भी नहीं करता है। तीने घरेलू है ना, कृषि के लिए आप क्या कर सकते हैं, तालाब कुएं और बांध बना सकते हैं। आप तालाब बनाइएगा तो नहीं बोलेगा कि मेरा जमीन का वैल्यू घट जा रहा है, आपको है ना, या भूस्वामी को यह मानना पड़ेगा। और इस तरह से यहाँ पे उसका रैयत को उपभोग का यहाँ पे अधिकार है, अधिभोग कर सकता है। उसके बाद घरेलू कृषि प्रयोजन के अथवा कुटीर उद्योग के प्रयोजनार्थ भवन निर्माण, कि अगर आप कुटीर या घरेलू कार्य के लिए अगर या छोटे मोटे व्यापार के लिए अगर भवन का निर्माण कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इतना अधिकार आपको दिया गया है ऑक्यूपेंसी राइट के अंतर्गत। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि रैयत धारा 61 की उपधारा के अनुसार लगान की भुगतान करता हो तब क्या होगा। देखिए धारा 61 फिर से हम कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन फिर से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप लगान दे रहे हैं तो अलग अलग तरह से लगान देते हैं। कभी क्या होता है कि उत्पाद के रूप में हम लगान देते हैं, ये जैसे कि आम है, आम का यहाँ पे कितना टोकरी हो गया, 2 टोकरी हो गया, तो एक आम का टोकरी जमींदार को दे दिए, एक आम का टोकरी खुद के पास रख लिए। तो अगर लगान आप किसके रूप में दे रहे हैं, कोई वस्तु के रूप में, तो वस्तु के रूप में जब लगान दीजिएगा तब क्या कंडीशन है, वो चीज आपको यहाँ पे क्या किया गया है बताया गया है। तो वस्तु के रूप में अगर आप लगान देते हैं तो कहा जाता है तालाब से मछली कुछ निकल गया या कुआं से कुछ निकल गया, तो कोई भी चीज से अगर कुछ भी निकलता है तो भू स्वामी जो है वो बोलता है 45% रखेगा और जो आपका रैयत है वो कितना परसेंट रखेगा, बचा हुआ 55%। तो कभी भी आपको पूछा जाएगा कि अगर लगान 61 के सॉरी धारा 61 के तहत क्या में दिया जा रहा है, वस्तु में, तो जमींदार अपने पास कितना रखेगा, तो जमींदार अपने पास रखेगा 45% और काश्तकार अपने पास कितना रखेगा जो कि उसको रेंट में यूज कर रहा है, वो रखेगा आपका 55%। तो उम्मीद करते हैं ये सब एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये सब चीज को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं वृक्ष ने अधिभोगी रैयत का अधिकार, यानी कि कहीं किसी जमीन पे पेड़ लगा हुआ है और आप उसके काश्तकार हैं और उसमें आपको अधिभोग का यानी ऑक्यूपेंसी राइट मिला हुआ है, तब जब पेड़ को काट लीजिएगा तो लकड़ी का हिस्सा किस तरह से बचेगा। तो बोल रहा है कि अगर वो भूमि नगद में लगान जो है दिया जाता हो या लगान मुक्त भी अगर जमीन हो, तब वहां पे बोलता है बांस क्या कर सकेगा, लगा सकेगा, उसको काट सकेगा, उसको काट के क्या कर सकेगा, गिरा सकेगा, वृक्ष के फूल फल और अन्य उत्पाद बांस को क्या कर सकेगा, ले सकेगा, ऐसा अधिभोगी अधिकार में कहा गया है। इसीलिए हम शुरुआत से बोल रहे थे कि आपको कहीं पे ऑक्यूपेंसी राइट है तो वहां पे एक आम का पेड़ लगा हुआ है तो आम का फल को आप यूज कर सकते हैं, कोई भी आपको मना नहीं करेगा। जमींदार नहीं कहेगा कि हमको लीगली, ठीक है ऐसे मांग सकता है क्योंकि वो उसका जमीन है, इसलिए बोल सकता है कि एक आठ टोकरी हमको भी दे देना, लेकिन लीगली वो कभी भी आपसे आम का जो फल होगा उसका जो हिस्सा है वो मांग नहीं सकता है। हाँ 61 के तहत अगर लेता है, वस्तु के रूप में आप देते हैं लगान, तो मांग सकता है, लेकिन अगर नगद देते हैं या लगान मुक्त है तो मांगेगा नहीं। दूसरा है यहाँ पे लगान का भुगतान धारा 61 की उपधारा से करते हैं, तो फिर वही चीज है कि अगर आप वस्तु के रूप में दे रहे हैं तो वस्तु के रूप में दे रहे हैं तो आपको लगान में कुछ हिस्सा तो देना होगा, आम का कुछ हिस्सा, तो उसी तरह से वही जो चीज ऑलरेडी हम लोग पढ़े वही है, जमींदार 45% रखेगा और जो काश्तकार है वो कितना परसेंट रखेगा, 55%। लेकिन यहाँ पे अगर पेड़ कोई कटता है तो उसका जो लकड़ी बटेगा वो लकड़ी में बराबर का हिस्सा होगा, यानी कि इतना बड़ा यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पे काटा तो एक हिस्सा जो होगा आपका किसका होगा, काश्तकार का, और दूसरा हिस्सा जो होगा वो किसका होगा, भू स्वामी का। तो लकड़ी में बराबर हिस्सा और बाकी उत्पाद में 45-55 का हिस्सा बना रहेगा। अब आगे देखते हैं रैयत ऐसी भूमि पर वृक्ष बांस रोपने का क्या होगा, हकदार होगा। मतलब जो भी जमीन आप काश्तकारी में लिए हैं तो रैयत है, आप खेती स्वयं कर रहे हैं तो वहां बांस उस जो भी पेड़ पौधा आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन रैयत और भू स्वामी ना ही एक दूसरे के बिना किसी वृक्ष और बांस को काट के गिराने के हकदार होंगे। हम यहाँ के रैयत थे और रैयत थे तो इसलिए हम एक यहाँ पे क्या किए, पेड़ लगाए। अब पेड़ लगाने के लिए हमको जमींदार से अनुमति लेना नहीं पड़ा, लेकिन जब पेड़ काटेंगे तो हम जमींदार को क्या करेंगे, बताएंगे कि इस पेड़ को हम क्या कर रहे हैं, आप गिरा रहे हैं। इस तरह से और रैयत जमींदार भी ऐसा नहीं है कि कभी आया और पेड़ को काट के ले गया, जमींदार भी अगर काटेगा
तो वो रैयत को क्या करेगा बताएगा, मतलब दोनों के सहमति से ही ये सब पेड़ वगैरह काटे जाते हैं। वर्तमान में अभी हम लोग क्या है, सरकार के अधीन, हमारा भूस्वामी है सरकार, तो सरकार यहाँ पे हम पेड़ को काट रहे हैं तो वहां पे रोकने नहीं आती है, जिसको वो है ना वन क्षेत्र नहीं मानती है उसको जनरली रोकने नहीं आती है, ऐसा सामान्यता हम लोग मान के चलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो हम लोग सेक्शन 21 था, जिसका महत्वपूर्ण प्रावधान था, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक प्रावधान 21 में किया गया, उन सबको हम लोग एक एक करके समझ लिए। अब बाकी जो यहाँ पे 21 के बाद जो प्रावधान है उसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, ताकि इस वीडियो में भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेक्शन जो है वो कवर कर पाए। जैसा कि कहा गया है 46 तक यहाँ पे हम लोग कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पे 22 में, अच्छा इसको कंक्लूड करते हैं, 21 में यहाँ पे जो हम लिखे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है उसको देख लीजिए। तो यहाँ 21 में क्या लिखे हैं, अधिभोगी रैयत भूमि का उपयोग का अधिकार। अब यहाँ सारा चीज हम नहीं लिख सकते, बस इतना हेडिंग आपको पता चल गया तो आपको सब चीज पता चल जाएगा कि किस किस चीज का अधिभोग का अधिकार है कि नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं इसमें, जिसमें अधिभोगी रैयत के अंतर्गत ये है, सेक्शन क्या है यहाँ पे, सेक्शन 22 है। तो सेक्शन 22 को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 22 में यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए, अधिभोगी रैयत का कुछ आधार के सिवाय बेदखली से संरक्षण, यानी कि बिना मतलब का जमींदार आपको आपके जमीन से बेदखल नहीं कर सकता है। यानी ये अभी आप समझ लीजिए, अभी तो जमींदारी व्यवस्था खत्म हो गया, 1908 को देख के ये कानून बनाया गया था, तो सरकार बिना कोई लीगल ऑथोरिटी या मतलब एक तरह से बिना कानूनी अधिकार के आपका जमीन को नहीं छीन सकती है। तो कुछ आप गलती कीजिएगा तभी आपका जमीन छीना जाएगा, और नहीं तो आपका जमीन नहीं छीना जाएगा। तो आपको गलती बताया गया कि क्या गलती करने से आपको बचना है ताकि आपको बेदखल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर कहा जाता है भूस्वामी द्वारा अपनी जोत से रैयत को निम्न आधारों के अलावा बेदखल नहीं किया जाएगा, मतलब अगर इस तरह के दो काम अगर कीजिएगा तो बेदखल होगा और नहीं तो बेदखल नहीं किया जाएगा। पहला काम बोलता है भूमि का उपयोग ऐसे रीति से किया गया हो जो कि धारा 21 और 21 का द्वारा प्राधिकृत नहीं है। अभी 21 में हम देखें ईंट बनाना है, खपरा बनाना है, अपना जमीन के लिए या अपना यूज के लिए, अब पता चला बेचने के लिए कर लिए, तो भाई आप इसका क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपका वहां से बेदखल किया, आपको वहां से बेदखल किया जा सकता है। तो इस तरह से 21 का उल्लंघन कीजिएगा तो बेदखल हो सकते हैं। दूसरा, उन शर्तों को भर किया है जिसमें भूस्वामी है ना बेदखल किया जा सकता है, कोई एग्रीमेंट आप कर लिए भूस्वामी के साथ और उन शर्त को आप क्या कर रहे हैं नहीं मान रहे, तो फिर शर्त से अगर आप इतर बात कीजिएगा या आप उसे एग्रीमेंट से हटिएगा तो फिर तो आपका जमीन जो है वो तो छीना जाएगा। तो इस तरह से ये 22 में है और इसी को हम यहाँ पे कंक्लूड किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए जहां तक हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखे थे बेदखली से संरक्षण यहाँ पे क्या किया गया है, आपको यहाँ पे दिया गया, मतलब आपको बिना कारण के कोई भी बेदखल नहीं करेगा। बाकी डिटेल तो आपको पता होगा कि चलिए याद रखिएगा 21 में अधिभोगी रैयत है, उसके बाद यहाँ पे बेदखली से क्या मिला है संरक्षण, उसके बाद मृत्यु होने पर क्या होगा और लगान भुगतान करना होगा, वो चीज हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन में क्या करते हैं पहले समझते हैं, फिर उसको भी हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि है ना सेक्शन 23 में, 21 के 22 के बाद आप कहाँ आ गए 23 में, तो मृत्यु हो जाने के बाद अधिभोगाधिकार न्यायगत होना, यानी कि वापस वो क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो अधिभोगाधिकार निर्वृत्त यानी समाप्त हो जाएगा यदि कब, रैयत के अधिभोगाधिकार के बारे में निर्वसियत, हम किसी जमीन में ऑक्यूपेंसी राइट रखते हैं, अब मेरा कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं और हम कोई वसीयतनामा में किसको किसी का नाम भी नहीं लिखे हैं कि मेरे बाद इस जमीन पे कौन ऑक्यूपेंसी राइट रखेगा, तब क्या हो जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। बस वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, स्थानीय रूढ़ी या अध्यक्षाधीन उसका कोई उत्तराधिकारी ना हो, तो जब उत्तराधिकारी नहीं होगा तो अधिभोगाधिकार जो है या ऑक्यूपेंसी राइट है वो क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे आपका 23 में यहाँ पे कहा जा रहा है और उसी को हम यहाँ पे कंक्लूड करके यहाँ पे लिखे हैं कि मृत्यु होने पर उसका अधिभोगाधिकार जो है वो एक तरह से कहिए क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। वो चीज मृत्यु होने पर खाली इतना याद रहेगा तो आप याद कर पाइएगा, इतना हम समझ के चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अगला सेक्शन यहाँ पे दिया गया है 23 का में, अधिभोग जोत के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण। यहाँ पे 24 नहीं लेके 23 का में ही बोल दिया कि अगर किसी तरह का ऑक्यूपेंसी राइट वाला अगर कोई रैयत है तो वो अपने अगर भूमि का अंतरण कर रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस तरह का रजिस्ट्रेशन हम लोग सेक्शन 11 में भी पढ़े थे, तो उम्मीद करते हैं वो भी आपको याद रहेगा। मतलब आप बदल रहे जमीन किसी को दे रहे तो पता तो होना चाहिए ना कि हम जमीन को ट्रांसफर कर रहे हैं या मेरा ऑक्यूपेंसी राइट जो है वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। 24 में बोल रहा है भाई अगर आप जमीन को यूज कर रहे हैं तो आपको लगान जो है वो भुगतान करना होगा और वो भुगतान जो करना होगा वो उचित और सामयिक होना चाहिए, यानी कि जो अभी का लगान का दर है उसी दर से आपको देना होगा और समय के अनुसार देना होगा। ऐसा नहीं कि हम लगान देंगे बोल के 10 साल तक लगाने नहीं दिए, 10 साल इंतजार करो, 10 साल का एक ही बार दे देंगे, ऐसा भी नहीं करना। उचित भी देना है और समय के अनुसार भी आपको
क्या करना है, लगान देना है, और नहीं तो फिर तो इसके विरुद्ध जो है एक्शन लिया जाएगा। अब आगे जो भी सेक्शन यहाँ पे हम लोग सामान्यता पढ़ेंगे यहाँ पे जो है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसी को यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो 25 से 36 तक याद रख लीजिएगा, यहाँ लगान के वृद्धि और कमी के बारे में बात किया है। तो 24 तक आपको हम बता दिए, अब 25 से 36 तक आप याद रखिएगा क्योंकि 16 से 36 तक हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 25 से 36 तक बोला गया है कि लगान कब बढ़ेगा और लगान कब नहीं बढ़ेगा। तो 25 में क्या बोलता है देखिए, कोई प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए तब तक लगान और उचित और सामिक यानी फेयर एंड इक्विटेबल माना जाएगा। आप लगान देते हैं 100 रुपया, आप लगान देते हैं किसको, जमींदार को। अब जमींदार ये साबित कर देता है कि 100 रुपया जो दे रहा है वो उचित नहीं है, फेयर नहीं है, तब वो तो लगान क्या हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। लेकिन अगर वो साबित नहीं कर पाएगा कि ये उचित नहीं है तो आप लगान जो दे रहे हैं वो विधिपूर्ण माना जाएगा, मतलब 100 रुपया जो दे रहे हैं वो सही माना जाएगा। और प्रूफ कर दे कि 100 रुपया से मेरा नुकसान हो रहा है तो भाई वो फिर गलत माना जाएगा। तो उसी को बोल रहा है जब तक प्रतिकूल साबित ना हो, अनुकूल मतलब क्या है आपके अनुसार, प्रतिकूल आपके अनुसार नहीं है, तो जब तक प्रतिकूल साबित ना हो उचित और सामिक माना जाएगा। ये कहां बोला है, सेक्शन 25 में। सेक्शन 26 क्या बोलता है कि 1908 से पहले लगान में वृद्धि अगर सही बताया गया था तो वो सदी ही रहेगा। आप केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लीजिए कि पहले अगर सही था तो बाद में भी क्या रहेगा, सही है, उसको गलत करके फिर विरोध काय करवाना है। छोटा नागपुर भू स्वामी कास्कार अधिक्रिया प्रक्रिया अधिनियम 1879 के धारा 24 के अधीन अगर कहा जा रहा है कि लगान का वृद्धि सही है, और ये चीज हम लोग पिछले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में पढ़े हैं, ये कानून जो आया था, चलिए बढ़ा दिया गया है, तो वर्धित लगान विधिपूर्ण और लोफुल माना जाएगा, आपको देना पड़ेगा। मतलब अगर इस कानून के अधीन आकर आपका लगान बढ़ाया गया तो आप इसको अन्याय नहीं मानिएगा, ये ठीक था ऐसा यहाँ पे कहा गया, और उसमें भी धारा 24 का उल्लेख किया गया है, मतलब ये जो 1879 में जो कानून आया था उसका धारा 24। उसके बाद इस अधिनियम के प्रारंभ और पूर्व में लगातार 7 वर्षों तक भुगताया अगर जा रहा है कोई लगान है तो उसको भी आपको वृद्धि करना होगा, वो भी लॉफुल माना जाएगा। अब यहाँ पे 27 नंबर हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि आखिर रेंट अगर बोल रहे हैं कि नहीं बढ़ाएंगे तो हमेशा नहीं बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा, कभी तो कुछ तो रीजन होगा जब आप रेंट में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। तो वे रीटियां जिनसे अधिभोगी रैयत का लगान क्या कर सकता है, बढ़ाया जा सकता है, तो आप इसको गेस कर सकते हैं कौन बढ़ा सकते हैं, डीसी या डीसी के, यहाँ पे डीसी तो बढ़ा सकते हैं लेकिन 27 में डीसी बढ़ा सकते हैं, बस ये चीज है। उसके बाद है 30 में। 30 में क्या बोलता है कि अगर कोई रेंट का भार जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जैसे 100 रुपया आपको रेंट देना है, ये बढ़ गया, पहले 10 रुपया था अब 100 रुपया हो गया, तो आपके लिए लोड बहुत ज्यादा, तो डीसी क्या करेंगे, इसको बोलेंगे क्रमिक रूप से आप दीजिए, पहले 40 रुपया दीजिए, फिर यहाँ पे 20 रुपया दीजिए, फिर 20 रुपया दीजिए, और उसके बाद फिर 20 रुपया दीजिए, तो 40 रुपया 20 रुपया और 20 रुपया, इस तरह से टोटल कितना हो गया आपका 60, और 40 100 रुपया हो गया। तो इसको क्रमिक रूप से बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 साल से भी ज्यादा है, मतलब 2024 से आपको देना है पैसा और पता चल रहा है 5 साल तक, यहाँ 2029 तक देते हैं, तो 2029 तक तो आपको क्रमिक रूप से बढ़ाया जा सकता है लेकिन 29 से 30 नहीं करेगा। तो मैक्सिमम यहाँ से फिर एमसीक्यू निकल सकता है कि ये जो अनुक्रमित किया जाएगा लेकिन 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा, कि ये जो अभी हम देखे 4 इंस्टॉलमेंट में है, हो सकता है इसको यहाँ पे 10 रुपया करते हैं और उसके 10 रुपया और बोलते हैं हर एक साल तुमको देना है, तो 5 साल के लिए हो गया क्रमिक रूप में। तो इस तरह से 5 से आप 6 साल तक यहाँ पे 6 वर्ष तक जा नहीं सकते, इलीगल हो जाएगा। डीसी भी इतना ही बना सकता है, कितना, 5 साल तक। लगान में कमी कब होगा, तो लगान में कमी कब होगा, कभी एक तरह से कहिए प्रतिकूल स्थिति आ जाए, जैसे कि क्या हो जाए, एक चीज और दिया है, खेत में पानी भर गया या आकस्मिक कोई घटना घट गया, जिससे जैसे कोरोना वगैरह आ गया, तो उसमें औसत फसलों का मूल्य कभी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो कोई भी अपरिस्थिति, मतलब एकदम एक तरह से कहिए दुर्घटना जैसा कोई सिचुएशन आ गया जिससे आपका इनकम जो है वो कम हो जाता है, तो आपका लगान को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। एक चीज और बोला है, 1 जनवरी यहाँ पे 1911 से 36 के बीच यहाँ पे अगर किसी भी समय आपका लगान को क्या किया है, बढ़ाया गया है, तो भी आपको यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ये बाद में इसको हो सकता है जोड़ा गया होगा क्योंकि 1908 में ये कानून बन रहा है और प्रधान 21 से 36 के बीच के बारे में कह रहा है। तो ये जो किया जाएगा, कमी जो किया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी, जो कि आपको यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम बता रहे हैं, तो ये जो कमी दिख रहा है या किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, डीसी के द्वारा ही किया जाएगा। आगे ये बोल रहा है लगान में वृद्धि हो जाए तो अगले 15 साल तक यानी 15 वर्षों तक यहाँ पे बिना डीसी के अनुमति के, या अध्याय 12 और 15, ये पिछले वीडियो में भी आ रहा है, सॉरी 12 केवल लिखा है, कि उसके आदेश से लगान में वृद्धि नहीं होगा। तो इस तरह से आपका दिया गया है 15 साल तक, एक बार लगान में वृद्धि हो गया तो 15 साल तक लगान में वृद्धि नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे इसको कंक्लूड किए हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम बताने का प्रयास करते हैं कि जो भी इसके बाद है, अब नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे हम लोग जाने का प्रयास करते हैं, जो कि आपका अध्याय 5 है। तो अध्याय 5 को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अध्याय 5 में जैसा कि बोला गया है, मात्र एक सेक्शन के बारे में वहां पे क्या किया गया है, उल्लेख
किया गया है। टाइम हम देख रहे हैं और दूसरा चीज रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं ये हम चेक करते रह रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में आजकल रिकॉर्डिंग जो है वो कट जा रहा है और एक ही चीज को बार बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चलिए, तो खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत को काश्तकारी की प्रसंगतिया यहाँ पे करके दिया गया है। तो यहाँ पे एक लाइन दिया है, अधिनियम में अधिभोगी रैयत संबंधी उपबंध उन रैयत पर भी लागू होंगे जो खुटकटी अधिकार प्राप्त है। तो अभी जो भी हम ऑक्यूपेंसी राइट में जो भी चीज पढ़े 16 से लेके 36 तक, वो सभी अधिकार खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत को भी प्राप्त होगा। ये चीज है, मतलब हर चीज को आप फिर से यहाँ डील नहीं करेगा कि जो जनरल रैयत था और जो खुटकटी रैयत है उसमें कोई कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो बोला कि ठीक है, जो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं जनरल रैयत में, उसी तरह से खुटकटीदार रैयत को भी क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। अगर 12 साल का बात है तो एक बार लगान बढ़ गया तो 15 साल तक नहीं बढ़ना है। तो अगर वो वहां पे भी लागू है तो यहाँ पे भी लागू हो सकता है, लेकिन कुछ अपवाद भी होगा, जो कि 12 साल अभी हम 15 साल लगान नहीं बढ़ेगा बोल रहे थे, वही अपवाद है। अपवाद यहाँ पे देख लीजिए, बोलता है लगान में वृद्धि काश्तकारी की इस अधिनियम में 20 वर्षों से अधिक पुरुष सृजित की गई हो तो नहीं किया जाएगा। दूसरा, अन्य दशा में वृद्धि अगर किया भी जा रहा है तो लगान जो है वो आधे से अधिक नहीं होगा अधिभोगी रैयत के लगान से। तो अधिभोगी रैयत का मान चलिए लगान बढ़ गया 100 रुपया, तो 100 रुपया से ये कम ही रहेगा। मान चलिए हो सकता है 50 रह जाए, 40 रह जाए, 51 कभी नहीं रहेगा, क्योंकि बोला गया है अधिभोगी रैयत का जितना रेंट बढ़ाइएगा उससे आधा से कम रेंट बढ़ाना होगा किसका, ये खुटकटीदार अधिकार प्राप्त रैयत को। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, ये बहुत पहले से रहते आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इसको अधिकार। अब पहले क्या हुआ था ना, बंदोबस्त, अब 12 साल खेती की आपको बंदोबस्त कर दिया, तो वो जो है थोड़ा सा लगेगा ना कि हम लोग तो परंपरा से रहते आ रहे हैं, हम लोगों का टैक्स ज्यादा लगता है, वो लोग भी आया बाद में और वो लोग भी कम ही टैक्स दे के रह रहा है। तो ऐसा नहीं, उन लोग को ज्यादा थोड़ा टैक्स देना पड़ता है और यहाँ खुटकटीदार को कम देना है ना टैक्स थोड़ा सा पड़ता है। एक चीज और भी है, देखिए यहाँ पे भुइहरी जमीन के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे और मुंडारी खुटकटीदार, तो वो लगान मुक्त रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो है जमीन के खुद मालिक होते हैं। तो बीच बीच में आपको ये सब चीज बताया जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, हो सकता है कुछ चीज बताते बताते हो सकता है छूट जाता है, तो वो चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। बहुत लिमिटेड टाइम में एक बहुत बड़ा टॉपिक को हम कवर करने का प्रयास करें, इसलिए हो सकता है थोड़ा बहुत बोलने में कभी कभार गलती भी हो जाए, तो उसको आप जरूर कमेंट में बताइए अगर कुछ हम गलत बता दिए हो तो। चलिए, अनाधिभोगी रैयत के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़े चैप्टर जो 4 था उसमें था ऑक्यूपेंसी राइट रैयत, कि अगर रैयत को ऑक्यूपेंसी राइट मिला है तो क्या क्या उसका अधिकार है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि अधिभोगी अनाधिभोगी यानी नन ऑक्यूपेंसी, अगर आपको किसी जमीन में नन ऑक्यूपेंसी रैयत का दर्जा मिला तब आपका क्या क्या वहां पे अधिकार होगा या नहीं होगा। तो पहला चीज कि अनाधिभोगी अधिकार रैयत प्रारंभिक लगान और पट्टा के बारे में दिया गया है। तो अनाधिभोगी अधिभोगी रैयत जो है यानी नन ऑक्यूपेंसी रैयत जो है भूस्वामी और करार जो हुआ है और उसके बीच जो हुआ है उसके अनुसार तय होगा। मतलब नन ऑक्यूपेंसी रैयत हम है तो हम कहीं से जमीन ले आओगे, भूस्वामी से ले आओगे, तो मेरे और भूस्वामी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ होगा उस एग्रीमेंट के अनुसार ही काम चलेगा। आगे जो अभी हम लोग चैप्टर 4 में जो पढ़े हैं 16 से 36 के बीच है ना, कि लगान कब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, एक बार बढ़ गया तो फिर 15 साल तक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सब कोई बात यहाँ पे लागू नहीं होगा। आप जो एग्रीमेंट में बात कहें वही बात इसमें लागू होगा। अनाधिभोगी है ना, नन ऑक्यूपेंसी है, तो फिर ऑक्यूपेंसी वाला कहाँ, यहाँ बोलिएगा कि हम ईंट और कपड़ा बना लेंगे, तो भाई वो अधिभोगी जो ऑक्यूपेंसी रैयत है उसको सेक्शन 21 के तहत अधिकार मिला उपयोग का, आपको नहीं मिला है, आप यहाँ पे ईंट और कपड़ा नहीं बना सकते, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आगे दिया गया है 40 में अनाधिभोगी रैयत का लगान में वृद्धि की सहित शर्तें, कि वहां पे तो लगान कब बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा वो चीज आपको दिया, कि एक बार बढ़ा दिया गया तो आपको क्या किया जाएगा, 15 साल तक नहीं बढ़ाया गया, पानी भर गया तो कम भी कर सकता है, ये भी बात भी कहा गया था, लेकिन इसमें क्या होगा उसको देख लीजिए। तो अनाधिभोगी रैयत का लगान का रजिस्ट्रीकेट, अच्छा यहाँ पे ये 40 में कहा गया है कि ये कंडीशन दिया गया कि कब बढ़ाया जाएगा नहीं बढ़ाया जाएगा। फिर है अनाधिभोगी रैयत का लगान रजिस्ट्रीकृत करार या धारा 42 के अधीन करार के सिवाय बढ़ाया नहीं जाएगा। तो कब बढ़ाया जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये बोला है कि पहले आपको रजिस्टर्ड है ना, कोई भी अगर अनाधिभोगी है तो उसको भी आप एक्सप्लॉइट थोड़ी कीजिएगा, उस पर भी अत्याचार थोड़ी किया जाएगा कि एग्रीमेंट किए हैं तो हर साल ही बढ़ा देंगे। ठीक है, एग्रीमेंट के बाद अगर कोई भी अगर रेंट बढ़ा रहे हैं तो उसको रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा कि हम एग्रीमेंट क्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं। दूसरा चीज है धारा 42 में अभी आपको बताया जाएगा, उस प्रावधान के अनुसार भी आप उसका जमीन से लगान क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये हम लोग देख लिए आपका अनाधिभोगी
कार के अंतर्गत जो सेक्शन 38 था और सेक्शन 41। अब देखिए हर सेक्शन को अब याद करना नहीं है, उसका जो प्रावधान है उसको याद करना है। अभी हम बताए थे लगभग 21 के बाद इधर 46, 71 ये सब धारा है, और कुछ कार को अगर पूछ दिया तो वो है, बाकी कम से कम इसका जो प्रावधान है वो सब आपको याद करना होगा। चलिए अब यहाँ पे दिया गया है वे आधार जिन पर अनधिभोगी रैयत को क्या किया जाएगा, बेदखल किया जाएगा। तो जैसे वहां पे क्या किया गया था कि आपको अगर अधिभोगी अधिकार मिला है तो आपको सेक्शन 22 में क्या बोला गया कि आपको वहां से बेदखल नहीं किया जाएगा बिना कारण का। जैसे कि यहाँ पे अभी हम बताए थे कि यहाँ पे बिना कारण का आपको अधिभोग का जो अधिकार है वो जो है वहां पे एक तरह से कहीं बेदखल नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया होगा 22 में, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दे। देखिए अधिभोगी रैयत भूमि का उपयोग का अधिकार है, सॉरी 21 में है, और बेदखली से संरक्षण मिला है किसमें, सेक्शन 22 में। तो धीरे धीरे चीजों को एक बार से ज्यादा आप पढ़िएगा तो धीरे धीरे सब चीज याद होने लग जाएगा, बहुत ज्यादा आपको परेशान अभी होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग पढ़ कहाँ रहे थे, यहाँ 15 वर्ष होना चाहिए, ये तो हो गया था, हाँ यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए तो 41 में बोला है कब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बेदखल कर सकते हैं अन अधिभोगी रैयत को। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं अन अधिभोगी रैयत को कब बेदखल किया जा सकता है। बेदखल होगा यदि लगान का भुगतान नहीं किया है, तो भाई अगर आप लगान का भुगतान नहीं कीजिएगा तो आपको बेदखल किया जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आज आपको लगान देना है, कल अगर नहीं दिए तो अस्थाई बंदोबस्ती की तरह तो आपका नीलाम कर दिया, ऐसा भी नहीं, इतना भी ज्यादा अत्याचार नहीं है, आपको टाइम दिया जाएगा। तो तृतीय कृषि वर्ष, अब कृषि वर्ष आपको परिभाषा बताया गया था, अगर सरकार है तो वो 1 अप्रैल से क्या होता है माना जाता है। तो 1 अप्रैल मानिए, चलिए यहाँ पे आप इसको सिंपली यहाँ समझ लीजिए पहले व्हाइट बोर्ड में, उसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं कि आखिर ये जो है वो है क्या, इसको इरेज करते हैं। छुड़ी हटाइए। चलिए मानिए, चलिए यहां पे आपको ये जो था एक मिनट, हाँ यहां पे चलिए ये जमीन का टुकड़ा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लगान देना है। ये क्या करना है, लगान देना है। कृषि वर्ष अगर हम गवर्नमेंट को मान ले तो मानिए चलिए आप जो है 1 अप्रैल से यहाँ पे लगान देने का बात किए थे, 1 अप्रैल 2020 से लगान देने का बात था। अब यहाँ पे एक साल कब हो जाएगा, 1 अप्रैल यहाँ पे 2021, एक साल हो गया। दूसरा कृषि वर्ष क्या हो जाएगा, फिर से 1 अप्रैल 2022 से ये क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए होता क्या, यहाँ पे 1 वर्ष हो गया, यहाँ पे 1 वर्ष हो गया, तो 1 वर्ष का लगान यहाँ पे भी आप नहीं चुका है, 1 वर्ष का लगान यहाँ पे भी आप क्या किए नहीं चुका है। तो अब तीसरा कृषि वर्ष चलेगा 1 अप्रैल यहाँ पे 2000 कहाँ से 23 में, इसके बाद जब 90 दिन क्या हो जाएगा, बीत जाएगा, 90 दिन क्या हो जाएगा यहाँ पे बीत जाएगा, तब वो बोलेगा कि भाई 90 दिन यहाँ पे बीत गया है, तीसरा साल चढ़ गया है और पिछले 2 साल का तुम जो है लगान वापस नहीं किया है, तब हम यहाँ पे कोई ना कोई लीगल एक्शन उसके खिलाफ ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तृतीय कृषि वर्ष के इंटर होने के 90 दिन बाद अगर पिछले 2 कृषि वर्ष का लगान आपको नहीं मिला है तब आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, कोई कार्रवाई कर सकते हैं, वही चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। अब चलिए इसको पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। लगान का भुगतान नहीं किया हुआ तृतीय कृषि वर्ष के क्या प्रारंभ के बाद 90 दिन के भीतर 2 कृषि वर्ष के लिए, यानी पिछला 2 कृषि वर्ष के लिए आप लगान नहीं भुगतान किए, तब आप वहां से क्या किया जाएगा, बेदखल किया जाएगा। दूसरा, भूमि का उपयोग ऐसे रीति से किया जो रूढ़ी या प्रथा से प्राधिकृत नहीं है, जो परंपरागत रूप से नहीं यूज किया जा सकता वैसा आप कीजिएगा, तो हटाएगा सीधा सा मतलब है, या अपना जो एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसको आप तोड़ के कुछ यूज कर लिया है तो भी हटाएगा। फिर है रजिस्टर्ड लीज के एक्सपायर होने के लिए, अगर आपको मानिए चलिए 10 साल के लिए लीज में दिया था, एक्सपायर हो गया था, भाई आपका जमीन जो है वापस कर लिया जाएगा या वापस आपसे ले लिया जाएगा। अब है दिया गया है सेक्शन 42, यहाँ पे बोला गया उचित और सामयिक लगान के भुगतान की सहमति देने से इनकार करने पे बेदखली, कि आप अगर जो है सामयिक लगान देना है, उचित लगान देना है, वो अगर नहीं देते तो कैसे बेदखली होगा। तो बोलता है रैयत है, रैयत क्या करता है, लगान देने से क्या करेगा, इनकार कर देगा, भूस्वामी रैयत को बेदखल करने का आवेदन देगा, किसको देगा, सवाल यहां से आएगा, डीसी को देगा, डीसी निर्णय लेंगे और इस तरह से उसको बेदखल करना है कि नहीं, यहां पे आपका सेक्शन 42 में कहा गया है। अब यहां पे जो सेक्शन हम लोगों का चैप्टर 6 था, यानी अन अधिभोगी रैयत, वो खत्म हो गया है। अब हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर 4 और चैप्टर 6 से जिसको छूट था। चैप्टर 5 तो यहाँ पे खुटखटीदार के बारे में एक अलग से दिया गया है, बाकी कुछ उसमें दिया गया नहीं है, 37 एकमात्र वहां पे सेक्शन है। लेकिन जो हम लोग अधिभोगी रैयत बोले और अनधिभोगी, अधिभोगी कहाँ बोले थे चैप्टर 4 में, अनधिभोगी कहाँ बोले थे चैप्टर 6 में, तो उससे कुछ भूमि जो है वो छूट है, मतलब वहां पे जो भी हम प्रावधान पढ़े उससे अभी जो भूमि पढ़ेंगे उसको छूट मिला हुआ है। अब चलिए जानते हैं वो कौन कौन सा भूमि है।
पाला यहाँ पे धारा, यहाँ पे 43 यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको देख लीजिए। बोलता है भू स्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि, आप उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे, लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार का जो विशेषाधिकार है मतलब उसके ही यूज के लिए क्या किया गया, दिया गया भूमि है, तथा कतिपय अन्य भूमि के अधिभुगा, कतिपय मतलब होता है सटन यानी कि कुछ कुछ भूमि में अधिभुगाधिकार अर्जन तथा उन पर अध्याय 6 के लागू होने का अध्ययन वर्जन, मतलब अधिभुगाधिकार भी आपका नहीं लगेगा, ऑक्यूपेंसी राइट भी नहीं मिलेगा। और चैप्टर 6 क्या बोल रहा है, अनधिभोगी के बारे में पढ़े थे, चैप्टर 6 यानी अनधिभोगी वाला आपको वहां पे राइट भी नहीं मिलने वाला, तो क्या यहाँ पे होगा उसको देख लीजिए। पाला बोलता है अध्याय 4 में अंतर्वेश किसी बात के होते हुए भी अधिभोगी रैयत, अधिभोगी रैयत यहाँ पे अर्जित नहीं किया जाएगा, मतलब कोई बात 4 में बोला है वो चीज यहाँ पे है फिर भी यहाँ पे आपको ऑक्यूपेंसी राइट नहीं मिलेगा अगर ये सब बात यहाँ पे उल्लेख किया गया है और वो बात उससे मिलता है तब। अब देखिए वो कौन कौन सा बात है, अगर 118 के खंड क के तहत भू स्वामी का विशेषाधिकार युक्त भूमि है। अब इसको सिंपल से समझिए, हम थोड़ा सा देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, चलिए हो रहा है, 45 मिनट हुआ है, 15 मिनट और हम लोगों के पास टाइम है। यहां पे आप सिंपल से समझिए कि भू स्वामी का विशेषाधिकार युक्त जमीन है, इसको एक सिंगल पेज से ही व्हाइट पेज से यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए ये भूस्वामी है, अब भूस्वामी अपने जीवन के लिए कोई तो खेत का यूज करेगा, ठीक है अभी उनके के पास करोड़ रुपया वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे अगर भूस्वामी इस खेत ए में क्या करता है, खेती करता है, तो इस खेती करने से जो उत्पाद मिलेगा अब उसको कहिएगा इसमें अधिभोग रैयत हमको मिल जाए या ऑक्यूपेंसी राइट मिल जाए तो कैसे देगा, फिर जमींदार अपना आना जीना खाना कहां से करेगा, तो उसको भी तो जीना खाना है, इसीलिए उसका जो मंजस जमीन, इसको बोलता है क्या, मंजस जमीन, मंजस जमीन उसको कहते हैं जो कि जमींदार के लिए छोड़ दिया जाता है कि तुम इस जमीन पे खेती करो और अपना जीवन भरण इससे भी तुम चला सकते हो। इसी तरह का एक होता है बेट खेता जमीन, बेट खेता जमीन भी होता है क्या है कि ये जो होता है वो जमींदार के लिए ही रखा जाता है, लेकिन इससे जो पैसा आएगा वो जमींदार किसी को अगर खेती करने के लिए लगा रहा है तो उसको एक तरह से कहिए पराश्रमिक देने में होता है, यानी जो रेंट मान चलिए किसी को आप काम में लगाए तो उसको कुछ तो पैसा देना होगा ना, तो वो पैसा देने के लिए कहां से जमीन पैसा आता था, बेट खेत से। तो इस तरह से अगर स्वयं खेती करने के लिए तो मंजियस, अगर यहाँ पे मान चलिए कोई बेट खेत है ना, बेट खेत अगर कह रहा है तो बेट खेत से जो पैसा आएगा मान चलिए 100 रुपया आएगा, तो 100 रुपया आया तो यहाँ पे मजदूर क्या करता है, यहाँ पे आपका है ना मजदूर जो है यहाँ पे क्या करेगा लगाएगा, तो इस तरह से मजदूर यहाँ पे लगाएगा तो मजदूर को जो पैसा आएगा कहां से आएगा, बेट खेत से आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं, ये बोला था कि पहला बात कि अगर यहाँ पे 118 ये याद रखिएगा, 118 हो सकता है वहां पे जाते जाते आप भूल जाए कि 118 में कोई विशेषाधिकार भूमि के बारे में बात किया गया है कि जमींदार के लिए ये क्या है रिजर्व है, तो उसमें आप ऑक्यूपेंसी राइट मांगने जाइएगा, कहिएगा ये पेड़ लगा है हमको आम दे दो, या इसका मिट्टी का यूज करके खपड़ा बांध बना लेंगे या तालाब बना लेंगे या तालाब खोद लेंगे, तो वो अधिकार आपको मिलने वाला नहीं है। दूसरा, जब वह टेनेंट द्वारा एक वर्ष के लिए किसी अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत पट्टे पे दिया, अगर हम एक साल के लिए लीज पे दिए हैं तो वहां का आम का पेड़ से जो आम निकलेगा उसका अधिकार जमींदार होगा, ना कि उस खेत को करने वाला कोई व्यक्ति या लीज को लेने वाला व्यक्ति। दूसरा है एक वर्ष से अधिक या कम अवसर के लिखित या मौखिक, अगर सॉरी यहाँ एक वर्ष से कम हम शायद बोल दिए थे, एक वर्ष से अधिक है तो हमेशा रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, और एक वर्ष से कम है तो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, और उसमें दोनों में वहां पे आपको किसी तरह का कोई ऑक्यूपेंसी राइट जो है वो नहीं मिलेगा, और है ना जो नॉन ऑक्यूपेंसी राइट है वो भी वहां पे मिलने वाला नहीं है। फिर है कम है धारा 118 के खंड कम है वीर निर्दिष्ट भू स्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि, उसको भी आपको ऑक्यूपेंसी राइट यहाँ पे मिलने वाला नहीं है या नॉन ऑक्यूपेंसी भी नहीं मिलेगा, उससे छूट प्राप्त ये भूमि है। भूमि अर्जन अधिनियम के तहत अगर कोई भूमि क्या किया गया किसी सरकार द्वारा धारित किया गया, मतलब सरकार किसी को एक्वायर कर दिया, HEC भूमि धारित कर लिया, अब वहां जाइएगा HEC का है ना पेड़ जो लगाया कहिएगा कि हमको दे दो, नहीं वो अब सरकार का हो गया, वहां अधिभोग का अधिकार आपको मिलने वाला नहीं है। स्थानीय प्राधिकार से लोकल अथॉरिटी या रेलवे वाला, अब रेलवे वाला आप कहिएगा 12 साल से हम रह रहे हैं हमको सेटल्ड कर दो, तो वहां सेटल्ड नहीं किया जाएगा, हम लोग धारा 24 में यहाँ पे पढ़े थे, सॉरी चैप्टर 4 में पढ़े थे ना कि बंदोबस्त किया जा सकता है अगर आप 12 साल से हैं, तो आप समझिए कि सरकार उसको रेलवे जो है उसको क्या कर लिया धारित कर लिया, अब वहां 50 साल से भी रह रहे हैं तो आप ये नहीं कहिएगा कि हम 50 साल से रह रहे हैं आप कैसे विस्थापित कीजिएगा, लीगल राइट है उसका वो विस्थापित कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसको अधिकार मिला है कि अगर कोई भूमि का अर्जन
1894 के तहत किया गया रेलवे कंपनी के द्वारा, तो वो कभी भी आपको वहां से हटा सकती है। आप 12 साल वहां रहे हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमको यहां सेटल्ड कर दीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर कोई सरकार या स्थानीय प्राधिकार, लोकल अथॉरिटी, कोई ऐसे काम के लिए जो कि लोक कल्याण से संबंधित हो, जैसे सड़क, नहर, तटबंध और जलाशय अगर बना दिया है, तो भी उस जमीन पे ऑक्यूपेंसी राइट जो है वो नहीं आपको मिलने वाला है। तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ हेडिंग अगर देखिएगा तो जमींदार के बारे में कुछ बात किया गया था, और कुछ बात किया गया था सर्टन कुछ भूमि है, किस प्रकार के भूमि, तो सरकार के द्वारा, रेलवे कंपनी के द्वारा या लोकल अथॉरिटी के द्वारा कुछ जमीन आपको लिया गया है, तो वहां आप कहिएगा ऑक्यूपेंसी राइट दे दो, तो वहां नहीं मिलेगा। और जमींदार को जो जमीन है वहां पे भी आप जाइएगा तो जमींदार कहेगा भैया तुमको जो जमीन दिया था वहां का आम तो खा रहा है ना, तो हमारे लिए भी कुछ जमीन छोड़ दो, जहां आना जिस जमीन का जो पेड़ है उसके आम को हम लोग भी थोड़ा बहुत खा सके, तो हम लोग भी इंसानी है, ऐसा करके ये बोल रहे होंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं अब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या बात कहा गया है। सबसे पहले यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, और अब टाइम हम लोगों के पास बहुत लिमिटेड है, इसी टाइम लिमिटेड में देखते हैं 44 में क्या बोला है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो 44 में अध्याय अब 8 है, यहाँ पे बोलता है जोत और भूत रीतियों के पट्टे के अंतरण, कि कब आप अपने जमीन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है आपका ये अध्याय 8 में। अब इसको चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे हम लोग समझते हैं। पहला है कि रैयत के पट्टे का हकदार होना, कि कोई भी रैयत होगा तो सेक्शन 44 कहता है कि रैयत को पट्टा मिलेगा। और फिर यही चीज बता रहे हैं 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्ती आया था तब पहली बार रैयतों को क्या मिला था, पट्टा, इसीलिए आपको बैकग्राउंड बताया गया था। तो रैयत अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का हकदार होगा, भूस्वामी का वहां पट्टा में क्या रहेगा, भूस्वामी का प्रणाम, आपका कितना बड़ा जमीन है वो सब रहेगा, वार्षिक लगान कितना वो रहेगा, वो किस्त रहना होगा, जैसे आप 4 किस्त में दे रहे हैं तो वो कितना किस्त रहेगा, वो चीज पट्टा रहेगा। समझिए ना, ये कागज का टुकड़ा था, हर चीज यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा जमीन से संबंधित। अगला है भूस्वामी का प्रतिलेख वचनबद्ध के लिए हकदार होना, यानी कि भूस्वामी अगर इस तरह का पट्टा दे रहा है या कुछ बात हो रहा है तो रिसीविंग देगा आपको, अगर लगान दे रहा है तो आपको क्या करना होगा, वहां पे आपका वो जो है रिसीविंग देने के लिए भी एक तरह से हकदार होगा। तो इस तरह से जैसे आप फीस देते हैं तो आपको रिसीविंग मिलता है, उसी तरह से यहाँ पे भूस्वामी क्या करेगा, आपको रिसीविंग भी देने का एक तरह से अधिकार है। अब चलिए 10 मिनट बाकी है, और 10 मिनट में उम्मीद करते हैं ये 46 जो है इसको हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं, कि धारा 46 काफी इंपॉर्टेंट है और वीडियो के अंत में आ गए हैं। उम्मीद करते हैं चीजों को आसानी से हम समझा पाएंगे, अगर किसी तरह का कोई परेशानी होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको यहाँ पे बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पे बोलता है रैयत द्वारा अपने अधिकार के अंतरण पर प्रतिबंध, यानी कि जो भी यहाँ पे रैयत है, और रैयत उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, काश्तकार के जो दूसरा हिस्सा था भूधारक के बाद दूसरा जो प्रकार था वो रैयत का ही था, तो जो कि स्वयं क्या करता है, खेती करता है, तो वो जो है अपने अधिकार का अंतरण पे उसको क्या किया गया, प्रतिबंध, मतलब आपका जो अधिकार है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब लेकिन उसका कंडीशन है, कब ट्रांसफर कर सकते हैं वो भी कंडीशन आपको बताया जाएगा। पहला कि 5 वर्ष से अधिक के लिए आप मॉर्गेज नहीं कर सकते, पहला सवाल यहां से पूछ सकता है। 46 काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सब सेक्शन भूल जाइएगा, फिर से हम बोल रहे हैं इसको याद रखिएगा, 5 साल के लिए वो से ज्यादा वो मॉर्गेज नहीं कर सकता, लेकिन भुगतबंध बंधक वो रख सकता है। भुगतबंध बंधक ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ऋण आप लेते हैं तो अपना जो भी टीनेंसी का जो भी आप हकदार है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से 7 वर्ष के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर भुगतबंध बंधक रख रहे हैं, सिंपल मॉर्गेज है तो 5 साल, अगर भुगतबंध मॉर्गेज है तो 7 साल, अगर वही रजिस्ट्रीकृत समिति कोई है। थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम लोग जो है इस साइड करते हैं, देखने में थोड़ा परेशानी हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये क्या है, अगर रजिस्ट्रीकृत यहाँ पे क्या है, समिति है, तो 15 साल के लिए दे सकता है। कंक्लूड कीजिए, 5 साल के लिए मोर्गेज दे सकता है अगर सिंपल मोर्गेज है, भुगतबंध अगर होगा तो वो 7 साल के लिए दे सकता है, रजिस्ट्रीकृत है तो 15 साल के लिए दे सकता है। जोत का अंतरण, ये सब आप लोग बहुत कॉमनली सुने होंगे कि एसटी जो है अपने थाना क्षेत्र के दूसरे एसटी को देगा, लेकिन किसकी अनुमति से, डीसी। फिर है एससी अपने जिला क्षेत्र, यहाँ पे थाना क्षेत्र था, यहाँ पे जिला क्षेत्र था, तो इस तरह से जिला क्षेत्र में दे सकता है, किसके आदेश से, डीसी के आदेश पे। ओबीसी भी अपना जो क्षेत्र है या अपना जो भूमि है दूसरे को क्या कर सकता है, दे सकता है, लेकिन उसमें भी डीसी का क्या करना होगा, आदेश लेना होगा। और इस तरह से एसटी एससी या ओबीसी किसके अंतर्गत आता है, तो बोलता है कि ये जो है अपना जमीन को दे सकता है, किसको, रजिस्ट्रीकृत समिति को दे सकता है, या केंद्र या राज्य, अथवा केंद्र और राज्य दोनों का 51% किसी में पूंजी है, जो कि बैंक हो सकता है, कंपनी हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट हो सकता है, उसको अपना जमीन दे सकती है। अब सिंपली समझिए, एचईसी का जमीन है,
अगर ये बोलेगा एसटी का जमीन को एसटी ले सकता है, एससी का जमीन को एससी ले सकता है, ओबीसी का जमीन, तो एचएससी का जमीन क्या एसटी एससी ओबीसी उसमें नहीं था जो एचएससी ले लिए, तो है ना वहां पे था। तो वहां कंडीशन यही लगा था कि अगर राज्य सरकार का या केंद्र और राज्य सरकार का दोनों में 51% पूंजी लगा हुआ है, वहां पैसा लगा हुआ है, तो चाहे वो एसटी रहे, चाहे एससी रहे, चाहे ओबीसी रहे, चाहे किस थाना का क्षेत्र का है, चाहे कहां का है, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपना जमीन को दे सकता है। अगर ये प्रावधान नहीं रहता तो समझिए यहाँ ना कोई उद्योग लगता, ना यहाँ सरकार को किसी तरह का कोई जमीन मिलता। सरकार अपने लिए यहाँ पे एक क्या कहिए प्रावधान कर ली थी कि अगर मेरा यहाँ पे कोई काम होगा तो भैया तुम जमीन दे देना, लेकिन इन जनरल एसटी एसटी को देता है अपने थाना क्षेत्र में, एससी एससी को देगा अपना जिला क्षेत्र में, ओबीसी ओबीसी को देगा अपने जिला क्षेत्र में। चलिए यहां तक हम बता दिए, अब यहाँ पे इसके जो बचे हुए प्रावधान है उसको भी हम लोग जल्दी जल्दी कंक्लूड करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको है ना जनरल बोलता है किसी को भी दे सकता है, डीसी से भी अनुमति लेने का उसका कोई अनुमति जरूरी नहीं है, तो जनरल का जमीन ऐसा भी बिकता है, ठीक ना। ओबीसी आप ध्यान लीजिएगा, ओबीसी को भी कभी कभी हम लोग जनरल भूमि मान लेते हैं, ओबीसी का जमीन भी ओबीसी ही ले सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, वो भी जिला क्षेत्र में और वो भी डीसी की अनुमति से। अब चलिए यहां बोलता है सब सेक्शन 1 जो अभी पढ़ रहे थे उसके अधीन रैयत द्वारा किया गया अंतरण भू स्वामी के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। अगर हम मानिए चलिए कोई जमीन को क्या कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं, हम रैयत है, तो मेरे ऊपर जो भू स्वामी होगा वो मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। जैसे अभी हमारे ऊपर कौन है, सरकार, तो अगर हम जमीन किसी और को दे देते हैं तो सरकार मानने के लिए क्या है, बाध्य है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए सब सेक्शन यहाँ 46(3) में यहाँ बोल रहा है अधीन रते अंतरण नहीं हुआ तो रजिस्टर्ड आपका नहीं किया जाएगा। तो जो भी प्रावधान यहाँ पे बोला है एसटी को एसटी को देना है, वो भी कहाँ, थाना क्षेत्र में, तो अगर ये बात लागू हुआ है तो रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं उल्लंघन किए तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, सीधा सा मतलब है। फिर है किसी वाद के पक्षकार में अगर एक तरफ एसटी है दूसरा तरफ अगर कोई गैर एसटी है तो एक पक्षकार क्या होगा, डीसी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई जनरल है तो हो सकता है उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, इसलिए बोल रहा है कि अगर एक पक्ष में एसटी है तो एक पक्ष अपने आप डीसी होगा, ताकि इस एसटी के साथ किसी तरह का भी भेदभाव होने नहीं दिया जाएगा। दूसरा है लीज का समय समाप्त होने के 3 वर्ष के भीतर अगर डीसी को आवेदन दीजिएगा तो रैयत को जूत क्या करना पड़ेगा, वापस। आप लीज में लिए थे, अब 3 साल बीत गया, जैसे 3 साल बीतने के बाद मतलब 3 साल के अंदर अंदर कोई आवेदन देता है कि ये वापस जाइए हमको जमीन, क्योंकि ये वापस कर नहीं रहे तो वापस दिला सकता है, 3 साल के बाद तो सोए रहिए फिर, है ना, 3 साल के बाद आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 3 साल का यहाँ लिमिटेशन था। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है उपायुक्त द्वारा स्वयं एसटी या एससी के अधिभोगी रैयत के आवेदन ट्रांसफर के 12 वर्षों के अंतर पर गैर कानूनी तरीके से भूमि जोत के अंतरण की जांच करने के आदेश से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं अगर एसटी से जमीन क्या है यहाँ पे संबंधित है, एसटी से अगर यहाँ पे संबंधित है तो उसके लिए टाइम दिया गया है वो 12 साल का क्या दिया गया है, लिमिटेशन आपका दिया गया है। 5 मिनट अभी बाकी है, हम झूठ मूठ का यहाँ पे हड़बड़ा रहे हैं, चलिए 5 मिनट में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि लीज का समय समाप्त हो गया है जनरल कंडीशन में, तो डीसी रैयत को आवेदन देके रैयत का जूत क्या करेगा, वापस करेगा, ये जनरल कंडीशन। लेकिन अगर कहीं पे अगर कोई क्या है एसटी है तो एसटी को बोला जाएगा 3 साल नहीं बल्कि कितना साल के बाद, 12 साल के अंदर पे भी अगर आप गैर कानूनी तरीके से आपका जमीन को छीना गया है तो वो अंतरण को जांच करने के बाद है ना वो वापस उसी एसटी को दे देगा, मेरा जमीन छीना गया, हमने एक शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, हम 12 साल के बाद 12 साल के अंदर अंदर कभी भी डीसी को आवेदन देके मेरा जो गैर कानूनी तरीके से छीना गया जमीन है वापस ले सकते हैं अगर कोई कब्जा कर लिया है तो। दूसरा है अगर ट्रांसफर लैंड ट्रांसफर उपयुक्त धाराओं के उल्लंघन नहीं हुआ है तो उपायुक्त आवेदन को रद्द कर देगा। अब हम कोई जमीन वापस लेने जा रहे हैं और वो लीगल तरीके से लिया गया है तो क्यों है ना उसको वापस हमको देगा, डीसी कहेगा तुमको लीगल तरीके से दिया है तो वापस नहीं होगा, हाँ इनलीगल तरीके से हुआ है तो आपका जमीन क्या मिल जाएगा, वापस। उसके बाद है लीज ट्रांसफर के उपयुक्त धारा का उल्लंघन हुआ है, अच्छा ये तो सेम चीज है। उसके बाद है परंतु करके जिसके पास जोत या अंतरेती है उसके भवन और संरचना का निर्माण कर देता है तो वो डीसी अंतरेती को 6 माह के आवेदन मिलने के पश्चात या 2 वर्ष तक उसको एक्सटेंड कर सकता है, उसको हटाने का क्या करेगा, आदेश देगा। अभी इसको हम समझाते हैं, इस अवधि में संरचना नहीं हटाने पर डीसी क्या करेगा, उसको ना हटवा देगा। और इस तरह से यहाँ पे आपका धारा 46(6) है और धारा 46(6) में इस धारा में जो भी बोला गया एसटी एससी वो किसके अनुसार होगा, तो भारतीय अनुसंधान संविधान के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए अंतरेती जिसको जमीन क्या हुआ मिला उसको आप समझिए कि यहाँ पे ये बात यहाँ पे किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं 1-2 मिनट मेरे पास यहाँ पे टाइम है, 3 मिनट अभी टाइम है, बहुत अच्छे से हम यहाँ पे समझा सकते हैं। तो यहाँ पे पेज को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई जमीन जो है एसटी से क्या कर लिया, लिया गया। अब एसटी से ये जमीन ले लिया है,
अब 12 साल का इसको टाइम दिया है, 12 वर्ष के अंदर कभी भी आवेदन करके आप क्या कर सकते हैं, इस जमीन को वापस ले सकते हैं। लेकिन अब क्या कर दिया, यहाँ पे हम क्या बना दिए, घर बना दिए, यहाँ क्या बना दिए, घर बना दिए, और पता चला ये 1 करोड़ का क्या है, घर है। तो 1 करोड़ का घर है तो सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे अब हटाएंगे, मेरा जमीन तो गया, घर भी जाएगा। तो डीसी आपको आदेश देगा कि 6 महीने में इस घर को तुम आप जहां जैसे हटाना है हटाओ, नहीं हटाना है वो तेरा प्रॉब्लम है, तुम इनलीगल तरीके से जमीन लिया था तुम समझो, है ना। तो वो 6 महीने अगर यहाँ का ये जो मकान का क्या होगा, यहाँ पे ये जो मालिक होगा मकान का क्या होगा, मालिक होगा वो बोलेगा इतने कम समय में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, हमको टाइम दीजिए। तो मैक्सिमम जो टाइम दिया जाएगा वो कितने साल दिया जाएगा, 2 वर्ष तक, डीसी 2 साल से ज्यादा उसको टाइम नहीं देंगे। 2 साल तक अगर 100 करोड़ का भी अगर मकान है अगर नहीं हटाए और वो एसटी का जमीन को इनलीगल तरीके से एक तरह से कहिए आप कब्जा किए हुए हैं, तो डीसी जब चाहे उससे उस भवन को क्या कर सकता है, हटा सकता है। वही चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर से यहाँ पे हम इसको बता देते हैं, चलिए यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और उसके बाद बता देते हैं, ये धारा 46 जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा ये तो है ही नहीं, लास्ट टाइम में भी देखिए यहाँ पे हो रहा है ये, चलिए। तो इसके पास यहाँ जिसके पास क्या है, यहाँ पे जोत है, जिसके पास क्या है जोत अंतर, यहाँ पे दिया गया है जिसके पास क्या है जोत अंतरेती है, वो भवन संरचना का निर्माण करता है, तो 6 माह या आवेदन मिलने पे 2 वर्ष के भीतर संरचना हटाने का आदेश देगा, और इस अवधि के अंतर अगर नहीं हटाता तो डीसी इसको हटवा देगा, और इस तरह से यहाँ पे ये भवन को हटाने का बात किया जा रहा है। चलिए अब वीडियो अब समाप्त होने वाला है, इस धारा में और धारा 47 में एसटी ओबीसी भारतीय संविधान के अनुसार होगा, ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो चलिए धारा 46 तक आपको बोला गया था, यहाँ पे बताया जाएगा, धारा 46 तक हम लोग कंप्लीट कर दिया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन से यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे।